बीते रविवार को रतलाम स्टेशन पर यात्रियों से मारपीट करने वाले बदमाशों का जीआरपी पुलिस ने जुलूस निकाला। साथ ही पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी कुख्यात बदमाश शाकिर चाचा गैंग से जुड़े हैं, जिनके खिलाफ इंदौर में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रतलाम रेलवे स्टेशन पर मारपीट करने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जुलूस निकाला, ताकि लोगों के मन से आरोपियों का खौफ दूर किया जा सके। बदमाशों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें दोनों आरोपी कुख्यात बदमाश शाकिर चाचा गैंग के बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ इंदौर के चंदनगर थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दो व्यक्ति चाकू लहराकर आतंक मचा रहे हैं और राहगीरों से मारपीट वगैरह भी कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर आरपीएफ की टीम और जीआरपी के द्वारा इमरान पिता इख्तियार, जो कि अलीराजपुर का रहने वाला है और हाल पता इसका इंदौर का भी निकला है, इसके अलावा सद्दाम पिता याकूब जो कि खरगोन का है और ये भी हाल पता इसका चंदन नगर है, इन दोनों को हिरासत में लिया गया था। इमरान के कब्जे से एक खटकेदार बटनदार चाकू मिला है, जिसमें 25 आम सेट के तहत कार्रवाई की गई और सद्दाम को धारा 151 के अंतर्गत प्राथमिकी रूप से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा राहुल शर्मा निवासी रतलाम की रिपोर्ट पर अवैध वसूली 327 का मामला पंजीबद्ध पृथक से किया गया, जिसमें भी उनकी गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा जिन बच्चों के साथ साथ इनके द्वारा मारपीट की गई है, वो चूंकि उस दौरान वहां से डर के मारे चले गए थे, आज थाना उपस्थित आए हैं। जिनका मेडिकल परीक्षण कराया गया, उनको चोटें पाई गई है, जिनकी रिपोर्ट पर इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 का भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसमें भी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पहले भी आरोपी इंदौर से फरार है, किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं? इसमें इनको हालांकि शुरुआती दौर में इन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया गया था कि खरगोन और अलीराजपुर तक ही सीमित हो रहे थे, पर पुनः पुलिस ने हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो इनका जो बैकग्राउंड निकल के आया, जो इमरान है इसके एक दर्जन से भी ज्यादा गंभीर अपराध इंदौर क्षेत्र में इंदौर शहर में पंजीबद्ध है, जिसमें सतर बाजार, छत्रीपुरा, मल्हारगंज, चंदन नगर और तुखुगंज और भी मामले हैं, एक दर्जन से ज्यादा है। और इसमें एक नामी नाम है शाकिर चाचा गैंग, जो कि जिनके साथ लड़के जुड़े रहते हैं और घटना को अंजाम देते हैं, तो इसका नाम उससे जुड़ के सामने आया है। शूटर से इन द सेंस गुर्गे, मतलब उनके लड़के। और अभी जब इनसे और पूछताछ की गई है तो थाना चंदन नगर में एक मुकदमा कायम हुआ, जिसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में 307 की धारा बढ़ाई गई है, तो उसमें ये दोनों फरार थे और अपना फरारी खरगोन, अलीराजपुर और झाबुआ में काट रहे थे। इसके बाद इनका प्लान था कि ये रतलाम से निकलकर अजमेर चले जाएं, जहां वो फरारी काटे। इसी कारण से ये अपने पास ना कोई आईडी रखी हुई थी इन्होंने और ना ही इनके पास फोन था, ताकि कोई ट्रेस नहीं कर सके। परंतु इस घटना के सामने आने पर इनका भी इनको मतलब पकड़ा और ये घटना का खुलासा हुआ कि ये दो मामलों में एक मामले में फरार है। जो बच्चे के साथ जो मारपीट हुई थी कल, बच्चों को चाकू से मारना बताकर चाकू की चोटें हैं? जी, उसमें जांघ के पास चाकू की चोट है, अभी मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। रतलाम से तौफीक पठान की रिपोर्ट।